रहे हो? हाल बना, ये मोरू बना रहा हूँ अभी। अच्छा, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, और आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और जो नया ब्लॉग होने वाला है वो अपने कल्चर से रिलेट है, उत्तराखंड का जो कल्चर है, संस्कृति है, उससे रिलेट है। तो आज है घुघुतिया, आप सभी को घुघुतिया की हार्दिक शुभकामनाएं। और बाहर मनाया जाता है मकर संक्रांति भी बोला जाता है, तो मकर संक्रांति आप सभी को शुभकामनाएं। तो दिखाते हैं आपको कैसी मनाया जाता है यहाँ पे और कैसे क्या क्या प्रोसेस होती है, तो आप सभी को डिटेल में दिखाएंगे, तो बने रहिए अपने ब्लॉग में एंड तक। तो यहाँ पे प्रोसेस होगी स्टार्ट। इसमें तेल वगैरह मिला लिया है और गुड़ का पानी मिलेगा इसमें। ये देखो, ये है गुड़ का पानी, शरबत बना रखा है। तो अब ये बनना होगा स्टार्ट, इसको गूंदेंगे। उसके बाद बढ़िया से इसको गूंद के, जैसे आटे की तरह बनाते हैं वैसे ये घर के गेहूँ होते हैं। तो आप बने रहें वीडियो में, आपको दिखाते रहेंगे। आएंगे इसके घुघुते थोड़ी देर में। अब इसमें थोड़ा तेल लगाएंगे और फिर बढ़िया से घुघुते बनाएंगे। इसमें बनाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे आगे कि कैसे बनाते हैं। तो यहाँ से हम लेंगे अब आटा इतना बड़ा, और अब इसे हल्के हाथों से मलेंगे ऐसे, और इसे एक लंबी रस्सी की तरह बना लेंगे थोड़ा, और फिर से फोल्ड करेंगे ऐसे। दो बारी फोल्ड करके इसको हल्का सा सिरे पे दबा देंगे, और ये बन गया अपना बढ़िया सा घुघुता। तो अगर आप लोगों को बनाने नहीं आते तो सीख सकते हो आप हमारी वीडियो से। तो हमने बना के दिखा दिया आपको बढ़िया से घुघुते। ये देखो ऐसे इसको थोड़ा और लंबा खींच के, इसको ऐसे बीच में फिंगर लगा के, और ऐसे दो तीन बारी फोल्ड करके ऐसे पिचका लो, और ये बन गया बढ़िया सा। और यहाँ पे बन गए इतने घुघुते। और यहाँ पे बूबू बना रहे हैं हमारे। क्या बना रहे हो बूबू? ढाल बना, ये डमरू बना रहा हूँ अभी। अच्छा, ये बन रहे हैं डमरू। तो आपको दिखाता हूँ मैं डमरू, ये बूबू बना रहे हैं डमरू, और कुछ दूसरी वैरायटी भी बना रहे हैं, अभी दिखाएंगे आपको बढ़िया से बना के। ये बढ़िया नारंगी दाना, अच्छा नारंगी, ऑरेंज मतलब संतरा। यहाँ पे हम बना रहे हैं ढाल बोलते हैं इसको। अब देखते हैं कैसे बनती है यार, ये बनाते हैं आप इसको घुमा के, ऐसे घुमाना पड़ेगा ऐसे घुमा के। ये देखो, ये घूम के एक गोल बन गया। ये देखो ऐसे बन गई ढाल, और ये हो गया हुड़का, और ये ढाल, और ये पूरी, और ये संतरे के दाने, और यहाँ भी बन गई दूसरी ढाल, और ये है घुघुते, उड़ भी सकते हैं। तो अब घुघुते होने लग गए हैं फ्राई, ऐसे बाहर बना रहे हैं क्योंकि अंदर हो जाता है धुआं, और ये बन गए घुघुते। ये देखो, अब इन्हें फिर माला बनाएंगे, इनके धागा डालेंगे इसमें, और फिर बढ़िया से इधर उधर के लिए देने लायक हो जाए। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। जो ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ ये है अगले दिन का,
आज बुलाते हैं कौवे वगैरह बुलाते हैं आज, क्योंकि कल कुत्ते बनाए तो आज कौवे बुलाएंगे और फिर इधर उधर त्यौहार वगैरह बांटेंगे। तो आज ठंड भी बहुत हो रखी है, आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा पाला पड़ रखा है और बच्चे बुला रहे हैं कौवे। आपको सुनाता हूँ, वो बच्चे बुला रहे हैं कौवे। पर यहाँ पे हमने पहना दी है घुटने की माला, ये है शिवा और ये हिमानी। ये घुटनी बड़ा खाएगी ये ये दिखाओ माला दिखाओ ये मजे आ गए फूल हैं। भारी होगी हिमानी। तो जो ये मकर संक्रांति फेस्टिवल है, ये हर स्टेट में अदर स्टेट में अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से मनाया जाता है, और उत्तराखंड में घुघुती आराम से मनाया जाता है। पहले दिन बनाते हैं तो दूसरे दिन फिर कौवे के लिए भी रखते हैं स्टार्टिंग में, फिर उसे बुलाते हैं, फिर उसके बाद इधर उधर आस पड़ोस में और रिलेटिव को देते हैं त्यौहार वगैरह, पूरी वगैरह बना के और घुघुते वगैरह ऐसी। तो यही अपनी एक संस्कृति है, कल्चर है उत्तराखंड का, जो मैंने थोड़ा सा अपने ब्लॉग के ज़रिए आप लोगों तक शेयर किया। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।